మరియు అవినీతి వ్యతిరేకత నేర వ్యతిరేకత సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పురస్కార ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఆదివారం మెహదీపట్నం విజయనగర్ కాలనీ జంరిస్ ఏబీసీ హాల్లో సామాజిక సేవా పురస్కారంలో భాగంగా ఉత్తమ అవార్డు గ్రహీత 24x7 ఆమ్కే న్యూస్ ఛానల్ చైర్మన్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజానికి సేవ చేయడంలో లభించే సంతోషం మరెందులోనూ దొరకదన్నారు. త్యాగాలు చేసి సేవ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తోచిన రీతిలో ఎంతో కొంత సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలన్నారు. తమ తమ రంగాల్లో సమాజానికి విశేష సేవలు అందిస్తున్న ముగ్గురికి పురస్కారాలను అందించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. एंटी करप्शन एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को जिनसे जो है बहुत बहुत धन्यवाद और अपने समीक्षक साधना मैडम और पुष्पकांत मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक. आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसमें हर आदमी परफेक्टली ऑलराइट नहीं रहता, लेकिन आपको जो नॉलेज है वो मुझे नहीं पता है. साजिदा मैडम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. मैं सब लोग हैं, आप तो मेरी माँ की उम्र के हो, आप मेरी माँ जैसी हो. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम फील्ड में काम करते हैं, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना सिख होता है, सबसे बड़ा एक ही रिलीजन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी. टेंडेंसी क्या है, आर्मी वाला है, करना है तो करना ही है. तो मैडम को मैंने एक बार देखा ह्यूमन राइट कमीशन के सामने और इन्होंने उनका क्या बनाया मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन काम तो हो गया. वो गरीब फैमिली थी जो मुझे पता है, इन्होंने उनको ऐसे हेल्प किया एक मानवता के तौर पे. राजनीति नहीं, मनुष्य नीति से काम करना चाहिए हमको, राजनीति से नहीं मनुष्य नीति से काम करना चाहिए. और एक्चुअली पद्मजा मैडम, संजय मैडम, एक्चुअली मैडम भाइयों, मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, जयाज होम फॉर गर्ल्स चाइल्ड. उसमें गुना संजय मैडम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है और पद्मजा मैडम जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है. तो ये जो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपने लिए तो यार सभी जीते हैं. ये सर ने अभी एक बात बोली थी, अरे किसी के लिए करके कुछ देखो, उसके फेस पे जो स्माइल. अगर मेरे पास 10-15 बच्चे भी हैं, अगर 15 बच्चे भी मेरे पास हैं, तो 30,000 में अगर 1,000 रुपीज में मटेरियल का फूड अरेंज करूँ तो खर्च नहीं होगा 1,000 रुपीज. 1,000 रुपीज का 15 बच्चे खा नहीं सकते. मैं सोचता हूँ उनको एक हफ्ते में 15,000 रुपये जो है काफ़ी है राशन बच्चों का. तो उस तरीके से मैं आप सबसे भी मदद चाहता हूँ. मदद मुझे ये चाहिए कि कहीं भी किसी को ऐसी कोई बेटी मिल जाए 110 ईयर न्यू बॉर्न बेबी से लेके 10 साल तक कोई भी बच्ची मिलेगी, उसकी एजुकेशन मैं देखूंगा, उसकी मेडिकल मैं देखूंगा. अपने नरेंद्र मोदी साहब जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने सुकन्या स्कीम खोल के रखा हुआ है पोस्ट ऑफिस में. वो बच्चे जिस दिन मेरे कस्टडी में आएंगे उसी दिन उनका सुकन्या स्कीम हो जाएगा. एजुकेशन का जो है उनका जो है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का मैं जो है इंश्योरेंस करा के रखूँगा, ठीक है ना. मैंने जो देखा है कि सिग्नल्स पर जो बच्चे भीख मांगते हैं ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट ने वो डिपार्टमेंट किसको दे के रखा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को. अगर वो बच्चे वहां भीख मांग रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फेल नहीं है क्या? आप बताइए, फेल है नहीं है? अगर वहां पे उस चौरस्ते पे एक कोई बूढ़ी अम्मा या कोई लेडी बेबी भी अगर रोड पे मिल जाता है तो इमीडिएट मुझे फोन करो, पद्मजा मैडम को फोन करो, संजय मैडम को फोन करो. इसमें मैं कोई
अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये काम करने से मुझे खुशी मिलती है, मज़ा आता है मुझे, ऐसा सच में बोल, ठीक है। मेरी आर्मी के पेंशन जो है 30,000 रुपीज़ है, ठीक है। ताकि किसी कार वाले को रोक के, बाइक वाले को रोक के भीख मांगती है तो वो कलेक्टर फेल नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फेल नहीं है क्या? मैं वो सब चीज़ें बंद करना चाहता हूँ। मैंने NGO का लाइसेंस जो है इन द ईयर ऑफ 2020 सेप्टेम्बर में मैंने लिया। बच्चों की अकोमोडेशन का कंस्ट्रक्शन जो है मेरे ख्याल से 30 अप्रैल तक जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा उसमें बच्चे। तो मैम आपसे आपसे और सर आपसे और मेरे मीडिया के भाई हैं और जो आप सब मेरे कलीग्स हो, आपसे ये रिक्वेस्ट है किसी की भी नॉलेज में ऐसा आ जाए तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर। मेरा नंबर है 83749, आई रिपीट वंस अगेन 83749708 04। दिल में जो सर जो है मेरे घर से इनको तो आर्मी में होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने लिए तो सभी करते हैं यार, सबके लिए करते हैं तो मजा आएगा। काम ऐसा करना चाहिए कि मर जाओ ना तो भी तुम्हारा नाम ऐसे रहना चाहिए डायमंड के जैसे, जैसे एक स्टार रहता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू पद्मजा मैडम, आप थोड़ा बच्चों के लिए कुछ बोलिए, आपने कुछ करना है, आई प्लीज। गुड इवनिंग एवरी वन। सो द ऑर्फन गर्ल्स एंड NGO कॉल्ड जयास होम फॉर गर्ल्स चाइल्ड सोसाइटी, देयर वी वांट टू गिव द बेस्ट फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन with good education, moreover the family support, and we want to give the same love and care for the children as we give for our own kids. They should never feel sad that they don't have anyone in this world. We want to give them the best. Whatever we have within that, we want to give them the best. Thank you very much for giving me this opportunity to talk.